हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिग्मा एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो क्लास 6 का जो मैथमेटिक्स की बुक है, एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है, उसमें जो चैप्टर नंबर 2 है वो है होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। तो उसकी हम आज इसमें बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग लास्ट तक इसको वीडियो को देखिए। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्याओं का मतलब है, पहले जो हमारा एक नेचुरल नंबर की बात कर लेते हैं ना। नेचुरल नंबर जो थे वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सोन तो है चले जा रहे हैं। जब हमारे पास 0 नहीं था तो प्राकृतिक संख्या इसको हिंदी में कहते हैं, जो कि 1, 2, 3, 4, 5 जो है ये हमारी 5, 6, 7 एंड सोन तक चली जा रही थी। काउंटेबल हो, नेचुरल नंबर है ना। तो उसके बाद जब 0 की खोज हुई, 0 आया, 0 आने के बाद जो है ये एक तरह से पूर्ण संख्याएँ हो गई हैं, तो उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सोन है ना। तो इसमें हम कह सकते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं है ना। तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो गई हैं। 0 आया तो उसको पूर्ण संख्या हो गई, इसलिए इसका नाम होल नंबर और पूर्ण संख्या है दिया गया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग और ज़्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे ना, क्या क्या इसके चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, एक इसमें जो टॉपिक आए, प्रीडिसेसर और सक्सेसर है ना, पूर्ववर्ती और परवर्ती है ना। तो सक्सेसर और प्रीडिसेसर कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। जैसे 16 है हमारे पास, 16 है, तो प्रीडिसेसर इसका क्या होगा? तो प्रीडिसेसर की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रीडिसेसर कितना हो जाएगा इसका? 16 - 1 = 15, जो हमारा क्या हो जाएगा, प्रीडिसेसर होगा। अगर मैं सक्सेसर की बात करता हूँ इसकी ना, सक्सेसर की बात करता हूँ, 1 = 16। अगर देखा जाए तो ये कुछ नहीं है। ठीक है, प्रीडिसेसर मतलब जैसे 3 है, इससे पहले जो होगा वो 2 होगा, और सक्सेसर मतलब इसके बाद जो 1 + 1 करेंगे, -1 करेंगे तो 4 मिलेगा, वो क्या होगा, सक्सेसर होगा। ठीक है, जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 2.1 एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर ए है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं है ना। इसमें जो है, इसमें पूछा था सक्सेसर ऑफ 2440701, तो इसका सक्सेसर कितना होगा, = 2440702 है ना। तो ये हो जाएगा। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था 6 का B है ना, ये भी देख लेते हैं। 6 का B में क्या पूछा था, प्रीडिसर ऑफ क्या, 10,000 का। तो इसमें से हम जो -1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9999 है ना। तो हमारा जो प्रीडिसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 999, ये हमारा जो है प्रीडिसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, बहुत ही आसान था है ना। तो इनको हम पूर्ण संख्याओं को जो हम नंबर लाइन पर भी ड्रॉ कर सकते हैं ना। ठीक है, नंबर लाइन जैसे यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर नेगेटिव आते हैं, वो जो इंटीजर में चला जाएगा उसकी हम जो है आगे बात करेंगे। तो ये सब क्या है, ये जो है पूर्ण संख्याएं, क्या है, पूर्ण संख्याएं है ना। तो ये हो गया। उसके बाद आ जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर है ना, जो इनके गुण हैं पूर्ण संख्या के, जो गुण हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उनकी हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट जो आता है इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर, पूर्ण संख्याओं के गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी हैं, एक तरह से ये लास्ट तक चलती हैं, ये हर जगह काम आती हैं। ट्वेल्थ में भी पूछा जाता है, 9th-10th में जो है प्रॉपर्टी जो है हर जगह यूज होती हैं, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, समझ में आपको आनी चाहिए ज़रूर। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी का एक तरह से क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, संवृत गुण, होल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत तथा गुणन के अंतर्गत संवृत होती हैं। तो हो सकता है अभी समझ में नहीं आया हो, जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो आपके जो है समझ में आ जाएगा। अंडर क्लोज है ना, क्लोज अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, बट नॉट सब्ट्रैक्शन, नॉट डिवीज़न, क्यों है ना, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं है भाई एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्यों लिया, सब्ट्रैक्शन और जो है डिवीज़न क्यों नहीं लिया? चलो हम बात करते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर मैं एडिशन की बात करता हूँ है ना,
एडिशन की बात करता हूँ, कोई भी नंबर लेता हूँ मैं जो कि क्या है, पूर्ण संख्या हो। एक मैंने पूर्ण संख्या ली 8, दूसरी पूर्ण संख्या ली कौन सी 12, 12 ली, तो मुझे कितना मिला 20 मिला, जो कि ये भी क्या है एक पूर्ण संख्या है। क्या है ये भी जो है पूर्ण संख्या है, ये भी तुम्हारी पूर्ण संख्या है और ये भी पूर्ण संख्या है। मतलब ये मिला, अगर मैं इनको क्लोज करता हूँ, इनको ऐड करता हूँ, क्लोज करता हूँ अंडर एडिशन, दो पूर्ण संख्याओं का अगर मैं क्लोज अंडर एडिशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, एक और पूर्ण संख्या मिलती है। इसलिए ये क्या है, जो है जो क्लोज है अंडर एडिशन, है ना। अब बात आती है सबट्रैक्शन की, देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मैं करता हूँ 8 वही लेता हूँ पूर्ण संख्या, 12 एक पूर्ण संख्या लेता हूँ, तो मुझे कितना मिला, माइनस का 4 मिला, जो कि ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या या होल नंबर, होल नंबर ये नहीं है, ये क्या एक इंटीजर है, क्या ही है, इंटीजर है, नॉट होल नंबर। तो इसलिए जो है सब्ट्रैक्शन इसमें नहीं आता है, ये क्लोज सब्ट्रैक्शन में इसमें नहीं आता है, तो आपको याद रखना है ना। अब बात आती है मल्टीप्लीकेशन की, बात हो रही है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन की बात करता हूँ मैं, दो पूर्ण संख्या ले रहा हूँ 4 और 8, तो मुझे मिलेगा कितना 32, सॉरी ये 32 है, ये भी क्या है एक होल नंबर है या पूर्ण संख्या है। क्या है ये, होल नंबर है, ये भी तुम्हारा होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। ठीक है, अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो अगेन मुझे जो है ये होल नंबर मिल गया। क्या मैं अगर डिवाइड करता हूँ इसको तो क्या मुझे ये होल नंबर मिलेगा, देखिए 4 डिवाइड 8 तो कितना मिल जाएगा, जब 4 में भाग लगाएंगे 8 का तो 0.5, 8 5 40 करके देखना ये है। तो ये क्या है, ये भी एक जो है नॉट होल नंबर, मतलब के होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए जो है डिवीजन भी नहीं आता। तो हम लोग ये कह सकते हैं जो हमारे होल नंबर हैं, पूर्ण संख्या हैं, वो क्लोज हैं अंडर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कामुटेटिविटी। ठीक है, तो बहुत ही कामुटेटिव, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है और बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छा लगता है इनको पढ़ने में ना। कामुटेटिव, कामुटेटिव क्या है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर कामुटेटिव। 4 किसके लिए, होल नंबर के, ये भी यही है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ही है क्या है एक अंडर कामुटेटिव है, होल नंबर के लिए ना। इनको हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमेय गुण, है ना, कामुटेटिव, इंग्लिश में नाम अच्छा लग रहा है, कामुटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है, ये जो है दो नंबर ली मैंने, दो पूर्ण संख्या की बात हो रही है, होल नंबर की बात हो रही है, तो दोनों ए भी क्या है होल नंबर है, इजिकल टू बी प्लस ए, ये इसका क्या है कामुटेटिव है। ए बी किसको बिलोंग्स करने चाहिए, होल नंबर को, ये आपको याद रखना है ना। अगर ये इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे क्या है, ये कामुटेटिव है ना। तो चलिए फिर वही एडिशन मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले आता है एडिशन, योग की बात करते हैं, दो पूर्ण संख्या में ले रहा हूँ, ए और बी दो पूर्ण संख्या ले रहा हूँ, कितना 13 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, कोई सी पूर्ण संख्या ले सकते हो, 0 से लेकर इन्फाइनेट तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी ले सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। एक 13 ले ली, 5 ले ली, जो कि मुझे मिलेगा कितना 18, है ना। अब मैं 5 की जगह जगह चेंज कर देता हूँ, है ना, तो ये भी कितना आ रहा है, 5 5 + 13 = 18, तो हम कह सकते हैं ये क्या है अंडर एडिशन, सॉरी एसोसिएट, सॉरी कामुटेटिव है। ठीक है, अंडर एडिशन है ना। तो ले अब सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं बराबर में, 13 - 5 = कितना मिलेगा, मुझे मिल जाएगा कितना 8, और 5 - 13 - 8 जो कि ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, और इक्वल भी नहीं है ना, नॉट इक्वल, तो हम लोग क्या कहेंगे, नॉट कामुटेटिव है ना। तो हमें जो दो पूर्ण संख्या ली थी दोनों इक्वल मिला है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये जो है कामुटेटिव है और जो सब्ट्रैक्शन वो नहीं है, इसलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन है। चलिए अब बात आती है मल्टीप्लीकेशन की, मल्टीप्लीकेशन है ना, मल्टीप्लीकेशन में दो पूर्ण संख्या ले रहा हूँ मैं, 6 × 2 = 12 = 2 × 6। ठीक है, तो ये क्या है अंडर कामुटेटिव जो है मल्टीप्लीकेशन है। अब भाग लेता हूँ मैं 6 / 2
थ्री मिला है ना, दो भाग सिक्स कितना मिलेगा, दो बटे छः, 1/3 0.33, जो कि ये इक्वल नहीं है, है ना। दो गुणा दो भाग, ठीक है, इक्वल नहीं है, तो क्या है, ये नहीं है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं ये कामुटेटिव है अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट जो गुण आता है वो है एसोसिएटिविटी, है ना, एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी जो होगी योग और गुणन की सहचारिता, इसको हिंदी में कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें जो हम लेंगे, जो कामुटेटिव में लिए थे दो हमने पूर्ण संख्या ली थी, इसमें हम तीन लेंगे पूर्ण संख्या ए, ठीक है, प्लस बी ब्रैकेट लगाएंगे प्लस सी, उसके बाद ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, इस तरह के हमें ये प्रूफ करना होगा। अगर ये इक्वल आ जाता है और पूर्ण संख्या देता है हमें, तो हम कहेंगे क्या है, ये एसोसिएटिविटी है, जहाँ ए बी सी बिलोंग्स कर रहे होंगे किसको, होल नंबर को, ठीक है। तो चलिए इसको ही प्रूफ देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहले एडिशन की बात कर लेते हैं हम लोग, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं ना। देखिए पूर्ण संख्या ले रहा हूँ मैं, 4 + 5 + 7 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 12, ब्रैकेट हम करेंगे जैसे करते आ रहे हैं, बात कर चुके हैं पीछे, कितना होगा 9 प्लस कितना होगा 7 इज इक्वल टू 16, है ना। तो दूसरा हम लेंगे 4 बाहर रखना है ब्रैकेट में, 5 प्लस 7 रखना है, तो 4 प्लस 7 + 5 कितना हो गए 12 इज इक्वल टू 16, तो हम लोग कहेंगे क्या, 4 प्लस 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 4 प्लस ब्रैकेट 5 प्लस 7, जो है ये क्या है, अंडर एडिशन जो है एसोसिएटिविटी है, है ना। अगर देखो सब्ट्रैक्शन की बात मैं कर लेता हूँ, इधर सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, 4 - 5 - 7 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, पहले ब्रैकेट खोलेंगे, -1 - 7 इज इक्वल टू -8। पहली बात तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो यहीं पे हम लोग क्या कहेंगे, ये जो है एसोसिएटिव नहीं है अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन की, है ना, गुणा की बात करते हैं। चलिए पूर्ण संख्या ले रहा हूँ, 2 × 8 × 3 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ब्रैकेट खोलेंगे पहले, 2 × 8 = 24 इज इक्वल टू कितना होगा 48, तो 2 × 8 ब्रैकेट लगाऊंगा 3, तो हम पहले ब्रैकेट खोलेंगे, 8 × 2 = 16 × 3 16 × 3 = 48, जो कि यह क्या है, मल्टीप्लिकेशन है ना, तो सेटिस्फाई ये कर रहा है, क्योंकि हम लोग इक्वल कर सकते हैं, 2 × 8 × 3 इज इक्वल टू 2 × 8 × 3, है ना। अब उसकी डिवीज़न की बात कर लेते हैं, 2 / 8 / 3, ठीक है। पहले बार तो मैं इसको ब्रैकेट ही खोलूँगा, 2 / 8 = 3, तो हमें जो मिलेगा यही पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी, तो पूर्ण संख्या का सॉरी जो पूर्ण संख्या नहीं है उसमें हम भाग देंगे पूर्ण संख्या में, तो हमें पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी, तो ये हो जाएगा 2 / 2 कितना हो जाएगा 8, ऊपर नीचे ऊपर तो 3 है, ऊपर पहुंच जाएगा तो मिल जाएगा हमें 6/8 3/4, जो कि ये क्या है, होल नंबर नहीं है, नॉट होल नंबर नहीं है। तो हमारे पास क्या मिलेगा, एडिशन मिला और सॉरी मल्टीप्लिकेशन मिला और एडिशन मिला किसने, अंडर एसोसिएटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी किसमें, डिवीजन में और सब्ट्रैक्शन में नहीं होती है, ठीक है। पहले एडिशन की बात करते हैं, एडिशन में आइडेंटिटी जो होता है, आइडेंटिटी जो एलिमेंट होता है वो क्या है, जीरो जो है, इसमें क्या करेंगे, देखो कोई भी पूर्ण संख्या ली प्लस जीरो इज इक्वल टू क्या मिले, हमें वही पूर्ण संख्या मिल जाए इज इक्वल टू जीरो प्लस ए, मतलब एक राइट हैंड पे लगाई जीरो और लेफ्ट हैंड पे लगाई तो हमें वापस की संख्या वही मिल रही है जो हमारी जो है संख्या थी। तो ये हमें जो रिलेशन देगा, ये देगा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के लिए, और जो जीरो होगा ये होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन, है ना। कैसे देख लेते हैं, जैसे 6 + 0 इज इक्वल टू 6 मिला, इज इक्वल टू 0 + 6 भी क्या होगा, 6 मिलेगा, तो ये क्या है, अंडर एडिशन। सब्ट्रैक्शन की बात करें, 0 - 6 इज इक्वल टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0 - 6, क्योंकि यहाँ पे हमें -6 मिल जाएगा, तो ये सब्ट्रैक्शन का
नहीं होगा। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में जैसे 6 गुणा 1, कोई ऐसा एलिमेंट जो हमें वही एलिमेंट मिल जाए, इज इक्वल टू 6 1 गुणा 6, तो ये जो सेटिस्फाई करेगा इसको, ठीक है, बट डिवीजन में नहीं करेगा। 6 डिवाइड बाई 1 तो 6 मिल जाएगा, बट 1 डिवाइड बाई 6 जो मिलेगा हमें नॉट इक्वल टू 6, तो हम लोग कहेंगे डिवीजन नहीं है। तो इसमें भी क्या होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होते हैं। एक इसमें प्रॉपर्टी और बच गई है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ये भी एक तरह से लॉ है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, है ना, योग पर गुणन का वितरण। अगर हम फार्मूले के उससे समझे हम, तो ये क्या होगा, ए गुणा बी प्लस सी इज इक्वल टू ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है इसको खोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें भी हम एक्सरसाइज का एग्जांपल ले लेते हैं, 2.2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 का बी, है ना। एक उसमें दिया था कि उसको सॉल्व करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कितना, 854 गुणा 102, है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, 854 गुणा, ठीक है, 100 प्लस 2, तो ये जाएगा। अब देखो ये वाला फार्मूला लगा, ये बना दिया हमने, इसका स्ट्रक्चर ये बना दिया, हम कैसे करेंगे, 854 गुणा बी की वैल्यू कितनी है हमारी, 100 प्लस ए कितना है, 854 गुणा 2, तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, 400 प्लस इसकी गुणा जो करेंगे हम लोग, कितना मिलेगा, 708। तो टोटल सॉल्व करने के बाद जो मिलेगा हमें 8, उसके बाद 0 7 4 11 और 6 7 8, ये हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का या डिस्ट्रीब्यूटिविटी का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये भी एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज का एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, है ना। इसमें दिया था 297 गुणा 17, ठीक है, उसके बाद प्लस, है ना, प्लस में दिया था 297 गुणा 3। अब देखो इसमें ए निकालना होगा, तो ए इसमें कॉमन है, जैसे यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, अगर मैं ब्रैकेट लगाता हूँ इसको इस तरह से लग जाएगा ना, तो ए में भाग ले सकता हूँ, कितना 297 गुणा बी कितना 17 प्लस 3, तो 297 गुणा ब्रैकेट हम खोलेंगे अब लोग, कितना हो जाएगा 20, तो ये मिलेगा हमें कितना, 0495। तो इस तरह से जो हम लोग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ये था हमारा जो है होल नंबर का चैप्टर नंबर 2 जो था 6th क्लास का। तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।